अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत होंगे। और आज मैं जा रही हूँ, एक ब्लॉगर है, हैदराबाद में रहती है। और मुझे पहले नहीं पता था कि वो हैदराबाद में रहती है, मुझे अब पता चला है वो हैदराबाद में रहती है। और मैं उसकी फ़ैन हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं आज उससे जाके मिलूँ। और मेरे घर से कुछ ही फासले पर वो रहती है इतफाक से, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज मेरी उससे मुलाकात हो जाए। और अगर आज मेरी उससे मुलाकात हो जाती है तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखते रहिएगा मेरा आज का व्लॉग। A few moments later. Assalamualaikum. जैसे कि मैंने आप लोगों को घर से निकलने से पहले बताया था कि मैं जिनकी फ़ैन हूँ और वो बड़ी ही क्यूट सी प्यारी सी हैं, रीमा मुझे मिल गई हैं और आज मैं उनके घर में आने के लिए कामयाब हो चुकी हूँ। कैसे आप सब? तो देख सकते हैं आप रीमा से बात करें, ये आपको बता रही हैं कि आज वो मुझसे मिली, मैं उनसे मिली और हम दोनों एक दूसरे से मिले और हैदराबाद में एक जाहिर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। क्यों रीमा? बिल्कुल बहुत अच्छी हैं, इनकी नेचर इतनी सॉफ्ट है, इतनी क्यूट है, जैसे कि मैंने इमेजिन किया था इनके बारे में। आप यकीन करें कि ये उससे भी कहीं ज़्यादा बहुत अच्छी हैं और इतनी अच्छी नेचर की है ये इनकी मदर। मत करें, नहीं 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 रीमा, नहीं तुम हो यार, तुम डिजर्व करती हो बिल्कुल। और मैं कहती हूँ कि सच्ची से मैं झूठ नहीं कहूँगी कि ये बहुत 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 ज़बरदस्त नेचर की हैं। और इनकी मदर यार क्या बताऊँ, बस वो ना मेरी अम्मी नहीं है, इनकी डेथ हो चुकी है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, पर आंटी को देख के मुझे जो है ना वो अम्मी याद आ गई सच्ची से। तो देखते रहिएगा हमारा व्लॉग और जो है आज यहीं तक, और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नई वीडियो में। ऑफिशियली कभी मिलेंगे तो वो भी आप बिल्कुल बिल्कुल आज तो सडन हो गया इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं रीमा के पास गई थी, आज रीमा से मेरी मुलाकात हुई और मुझे बहुत खुशी हुई आज उससे मिलके। और बहुत क्यूट, बहुत प्यारी है वो, और मैं पहले ही इसको बहुत लाइक करती थी, तो आज तो मैं और इसकी फैन हो गई। और अच्छा मैं बताऊँ, मासमा को भी मैं लेके गई थी और मासमा का मैं नहीं ले सकी थोड़ा सा, मतलब मैंने उसके साथ व्लॉग जो बनाया वो मैं मासमा को उसने नहीं ले सकी, तो उस पर रीमा को भी अफसोस हुआ कि यार उसको भी ले लेती साथ। तो मैंने कहा यार बस मैं इतनी एक्साइटेड थी तुमसे मिलके, तो मैं नहीं इसको मैं सच्ची भूल गई। तो फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर उसने जो है ना वो अपने ही सेलफोन से मासमा का भी थोड़ा सा मतलब वीडियो के लिए बनाया और वो ज़रूर अपनी स्टोरी पे या फीड पे जहाँ पे भी उसको मुनासिब समझेगी तो शेयर करेगी। तो देखना मत भूलेगा मेरा भी ब्लॉग, और जो है वो अगर पसंद आया आज का छोटा सा ब्लॉग तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब तो मत भूलना, इसकी तो मान लें है ना। तो ठीक है, तो ज़रूर पसंद आया है आज का छोटा सा ब्लॉग तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।